अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुहम्मद अनवर जोईआ, तुसी देख रहे हो पंजाबी विसाख। पंजाबी विसाख दे विच जनाब असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि जदीद मशीनरी है। मेरे पिछे देख रहे हो तुसीं मजदूर वर्क कर रहे ने यह मशीन दे उत्ते। यह जनाब असीं गोबर तों लकड़ी बना रहे हैं। तुसीं बड़े हैरान होवोगे कि गोबर तों लकड़ी किस तरह बनाई जाती है। जनाब पिंडां दे विचों मझां गावां इन्हां दा गोबर इकट्ठा किया जाता है। उन्होंने जनाब लिया के यह देख रहे हो तुम यह गोबर पे है। गोबर में जनाब यह पालने के बच्चे दिता जा रहा है, मजदूर दे रहा है और उन्होंने अच्छी तरह डंडे नाल कुटाई की जाती है। जनाब यह देखो यह डंडे नाल कुटाई हो रही है। उतो जनाब गोबर मशीन के व्हील के जरिए सर्कुलेशन करता हो जनाब यह सांचे के आता है। इतने जनाब यह लकड़ी बन के निकलती ते ये जनाब गोबर इकट्ठा करन तो बाद उस दे उत्ते जिहड़ा लकड़ी का बूरा हुंदा है उसनों जनाब छांडा दिता जांदा। लकड़ी के बूरे का फायदा यह हुंदा है कि यह एक तो जल्दी खुश्क हो जाती है और दूसरा जनाब यह बिल्कुल टुटदी नहीं है। तो जनाब यह देख रहे हो तुसी और दूसरी मदद की गल है, इलैक्ट्रिक मशीन चल रही है इस नाल जो कि इसनों सर्कुलेशन कर रही है। तो यह जनाब यह स्टेक बन बन के निकल रही है। यह देख रहे हो तुम स्टेक में जनाब फिर एक रेहड़ी पर रख के देख रहे हो तुम पिछे इस तरह इसको खुश किया जाता है। यानी कि खाली प्लाट के जनाब इसको सुखाया जाता है। ये हफ्ते 10 दिन का प्रोसीजर है। तो बोलो सर बिजली वाले चूल्हे से ये जनाब काउडंग स्टिक यूज होंगी है घर के लोग लै जाते हैं। इसकी मार्केट वैल्यू जनाब 400 to 450 रुपया फी मान है। ये पट्ठिया भी इस्तेमाल करते हैं। उस बाद सोलर चूल्हों के घर यूज होती है। आम रूटीन जोड़े साढ़े देसी चूल्हे ने उन्होंने भी ये यूज होती है। तो हूँ जनाब आ जाओ सर आ जाओ करो लोड। यह जनाब यह देख रहे हो तुम मजदूर इसमें रेहड़ी के जनाब जोड़ के लै जाएगा खुश करने वास्ते। हूँ जनाब असी नज़दीक तो तुम्हें दिखाने कंप्लीट पास तुम रहना साढ़े नाल नाल। तो असं तमाम व्यूअर को रिक्वेस्ट करा कि साढ़े चैनल पंजाबी विसाख में सबसक्राइब कर दौ, नाल लगे घंटी के निशान में दबा दौ ताकि असी पंजाब की खूबसूरत वीडियो थोड़े तक वक्त पहुँचाते रहिए। यह जनाब काउडंग स्टिक एक नैट उठ गया जनाब ईंधन की कमी लकड़ी की कमी उसको मद्देनजर रखते हुए जनाब इसका जुगाड़ लाया गया। तो साढ़े बहुत सारे वीर इस तो लख रुपए कमा रहे हैं। जनाब यह मशीन भी दिखाने तुम जिस तरह इसकी कुटाई हो रही है जिस तरह स्टिक बन के निकल रही है जनाब नज़दीक तो अभी कंप्लीट जी। नाजमीन हूँ असी नज़दीकी व्यू देने तुम ए देखो जनाब यह स्टिक बन के निकल रही है। यह स्टिक बन के निकल रही है। तो यह जनाब इसकी कुटाई हो रही है। यह देखो जी लीवर चल रहा गोबर में पाया गया बिच। उस बाद इस तरह कटाई करोगे ताकि अच्छी तरह ये मिक्स होके लीवर के बिच आए ताकि इसकी जी लकड़ी है वो अच्छी तरह बन के बाहर निकले। यह देखो जी यह लीवर चल रहा है। तो यह जनाब सांचे सांचे चलते यह जनाब यह देखो जी लकड़ी बन के निकल रही है बाहर। और ये लीवर के जनाब चार सूत्र का एक सरिया होंगे जो कि इस स्टेक के सुराख करता है जो कि स्टेक को खुश्क होने मदद करता है। यह दिखा जनाब इसका सुराख दिखाना। यह देखो जी यह सुराख किया गया। यह जनाब यह चल रहा है लीवर। यह लीवर चल रहा है जो कि गोबर को अगे धकीलता है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा ये 1.5 to 2 feet की जनाब सांचे के लकड़ी कढ़ी जाती है ताकि मजबूत रहे टूटे ना, जबकि इनू जितना चाहो लंबा कढ़ सकते हो। हूँ असी जनाब मोटर सर्कुलेशन भी दिखाने तुहानू। यह जनाब मोटर है, मोटर वर्क आ रही है इस दे नाल। तो वाकई सर बहुत नायाब जुगाड़ है और लोग यकीनन इस तो लखां कमा रहे ने।
जी जनाब, आज तो हम दिखा रहे थे असी काउडंग स्टिक मशीन, यानी कि गोबर तो लकड़ी किस तरह बनाई जाती है मशीन के जरिए। तो उम्मीद करने हैं वीडियो व्यूअर्स को बहुत ही अच्छी लगी होनी है। जी जनाब, तो दिखा रहे असी मशीन के जरिए कोल्डंग स्टिक किस तरह बनती है। तो हूँ जनाब इसनों खुश करने का मरहला वह भी असी तुम दिखाने। ए जनाब मजदूर इस रेहड़ी पर लोड करेगा, ऐ जो कि टापिया के स्टिक है, स्टिक न रेहड़ी पर लोड किया जाएगा और इसनों उत्थे रख के सुकाने वाली जगह पर लैके जाया जाएगा। असी वह भी दिखाने अपने व्यूअर नूं। करो सर लोड करो। बड़ी एहतियात नाल लोड किया जा रहा है सर। देख रहे हो सर ए स्टेक नूं इस तरह खुश किया जाता है। इन्हां ने नवा काम शुरू किया है, इस नूं जमीन ते ही रख रहे हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर जुगाड़ ये होंदा है कि इस दे बांस लाए जाते हैं। जिन्ना पहले इस नूं रखा जाता जमीन पर, दो दिन तो बाद जो हल्का खुश्क हो जाए फिर इस नूं चुक के बांस ते रखा जाता है। तो बांस ते क्योंकि हवा चारों तरफों लगती है इस स्टेक नूं और जल्दी खुश्क हो जाती है। यह जनाब इसका सुखाने का मरहला है। जिहड़ी स्टेक सुकी पई है वह असी जनाब तुहानूं दिखाने। यह देखो जनाब, यह देख रहे हो इस दे विच सुराख है जो कि इहनूं खुश्क होण च मदद दे रहा है। लो जनाब अज दे वीडियो इतनी। तो इस तरह जनाब लोग लखां रुपए कमा रहे ने, अपना रुजगार चला रहे ने, यानी कि गोबर ज़ाया नहीं हुंदा। पहले गोबर नूं यूटिलाइज किया जाता सी ईंधन खाद के तौर पर, लेकिन हुण गोबर भी नायाब हो गया जनाब। गोबर की लकड़ी बनाई जा रही है। तो उम्मीद करते हैं अज की वीडियो व्यूअर को बहुत ही अच्छी लगी होनी है। तो जाते जाते फिर असी रिक्वेस्ट करांगे कि साढ़े चैनल पंजाबी विसाख नूं सबसक्राइब कर दिओ, ताकि तुहानूं पंजाब दी असी खूबसूरत वीडियोज़ बर वक्त दिखाते रहिए। असी पहले तुहानूं जनाब ओल्ड कल्चर दिखाते सां, पंजाब दा ओल्ड पर्शियन व्हील, ओल्ड डीजल इंजन। यह जनाब नवा जुगाड़ सी, असी यह समझाना यह दिखाना जरूरी समझे अपने व्यूअर नूं, ताकि जिहड़े लोग ये काम करना चाह रहे ने, दिलचस्पी लै रहे ने, वो देख लैन कि प्रोसीजर किस तरह होंदा है ते किस तरह शुरू किया जाता है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नैक्सट वीडियो के नाल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना व्यूअर्स, तब तक अल्लाह हाफिज़।